जब भी पिरामिड की बात होती है तो जहन में सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो वो है मिस्र, जिसे इजिप्ट नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सूडान में भी पिरामिड मिलते हैं? यही नहीं, यहाँ मिस्र से ज्यादा पिरामिड हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कम ही लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको सूडान के पिरामिड से रूबरू करवाएंगे। सूडान के बारे में जब भी बात होती है तो ज्यादातर यहाँ के बुरे हालात, भुखमरी, गृह युद्ध के बारे में चर्चा होती है। कोई सूडान के ऐतिहासिक पिरामिड का जिक्र तक नहीं करता। सबसे पहले इसके इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। हिस्ट्री। सूडान नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है जो क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इसके उत्तर में मिस्र, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पूर्व में इस्ट्रीरिया और इथोपिया, दक्षिण पूर्व में युगांडा और केन्या, दक्षिण पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, पश्चिम में चाड और पश्चिमोत्तर में लीबिया है। इसकी राजधानी खार्तूम है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कही जाने वाली नील नदी अपने सफर का बड़ा हिस्सा सूडान से होकर तय करती है। लेकिन जब भी नील नदी की बात होती है तो इसे मिस्र से जोड़कर देखा जाता है। 1956 में यूनाइटेड किंगडम से आजाद होने के बाद भी इसे गृह युद्ध का सामना करना पड़ा जो 17 साल तक चला, जिसके बाद यहाँ जातीय, धार्मिक और आर्थिक युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से 1983 में दूसरा गृह युद्ध शुरू हो गया। लंबे समय तक चले गृह युद्ध के बाद अब सूडान दो भाग में बंट चुका है। 2011 में दक्षिणी सूडान के लोगों ने सूडान से अलग होकर एक नया देश बनाने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में अब उत्तरी सूडान को ही सूडान कहा जाता है। इस तरह सूडान को कई तरह की घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ा। पिरामिड के बारे में कोई नहीं जानता। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सूडान बहुत बड़ा देश है, यही वजह है कि यहाँ आपको कई समुदाय के लोग मिलेंगे। इसका इतिहास काफी मजेदार है। यहाँ नागा के करीब 4000 साल पुराने मंदिर हैं, जिनमें यहाँ के इतिहास, कला, संस्कृति की झलक दिखती है। अफसोस की बात है कि अब ये खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इनके अलावा कुशैती साम्राज्य के दौर में यहाँ करीब 200 से ज्यादा पिरामिड बने जो कभी इसकी पहचान हुआ करते थे, लेकिन अरब इस्लामिक हमलावरों ने इन्हें तहस नहस कर दिया। तभी से ही सूडान के पिरामिड बुरी हालत में हैं। इसी वजह से लोग इन पिरामिड से अनजान हैं, सदियों से वीरान पड़े हैं। सूडान की राजधानी खार्टूम से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक प्राचीन शहर है जहां ये पिरामिड मौजूद हैं। इस जगह का नाम बगराविया है, लेकिन अब ये इलाका वीरान पड़ा है और खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहां के पिरामिड अब नष्ट हो चुके हैं, सिवाय उनके अवशेष के कुछ नहीं बचा। कहते हैं कि ये इलाका मौसम के लिहाज से बेहद शुष्क और दुर्गम माना जाता है। अब यहाँ के पिरामिड रेत में धस चुके हैं, कोई इन्हें देख नहीं पाता। वीरान और सुनसान इलाका होने की वजह से यहाँ आसपास कोई होटल, रेस्टोरेंट्स भी नहीं हैं। इस वजह से भी यहाँ टूरिस्ट्स कम ही संख्या में पहुँचते हैं। पिरामिड इतिहास। बताया जाता है कि इन पिरामिड का इतिहास काफी पुराना है। पिरामिड का नाम प्राचीन शहर मेरो से आता है, जब ये कुश साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। 1000 ईसा पूर्व मिस्र के 24वें राजवंश के पतन के बाद कुश के न्यूबियन साम्राज्य की शक्ति नील क्षेत्र में तेजी से उभरी। दरअसल मिस्र के कई हिस्सों पर कुश साम्राज्य के राजाओं ने कब्जा कर लिया था, जिन्होंने 712 से 657 ईसा पूर्व तक शासन किया। 300 ईसा पहले साम्राज्य की राजधानी को बदलकर मैदानी इलाके मेरो कर दिया गया। इसी के साथ ही जब राज्य के लोग वहां चले गए तो उनके जाने से पहले यहां शाही राजाओं की कब्रगाहों को पिरामिडों का रूप दे दिया गया। पिरामिड के निर्माण की फायरोनिक परंपराओं ने यहां दफन शासकों की कब्रों को अब तक संभाल कर रखा है। पुराने अफ्रीकी साम्राज्य के इतिहास में इसका उल्लेख भी मिलता है। यही राज्य अब सूडान में स्थित है। सूडान में पाए जाने वाले पिरामिड को न्यूबियन मेरो पिरामिड के नाम से जानते हैं। सूडान न्यूबियन पिरामिड्स।
मिस्र के पिरामिड और सूडान के पिरामिड की बात करें तो दोनों में पहली समानता है कि ये दोनों ही देशों में जितने भी पिरामिड हैं वो नील नदी के किनारे ही हैं, क्योंकि नील नदी सूडान से होकर भी गुजरती है। भले ही इन पिरामिड का आकार मिस्र के पिरामिड से छोटा है, लेकिन ये मिस्र से ज्यादा फेमस और प्रभावशाली लोगों के नाम से जुड़े हैं। तो अब अगर कोई कहे कि मिस्र में ही पिरामिड मिलते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मिस्र के अलावा सूडान में भी पिरामिड मिलते हैं, लेकिन देखरेख ना होने की वजह से ये खंडर में तब्दील हो चुके हैं, इसलिए कम ही लोगों को इनके बारे में जानकारी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।